हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यह है करवा चौथ के दूसरे दिन सुबह का क्लिप। आयुष्मान स्कूल जा रहा है, उसको लेट हो रहा है, मुझे खींच खींच के लेके जा रहा है, मना कर रहा है फिर भी नहीं मान रहा है। छोड़ दो, मैं चल रही हूँ, तेज चलूंगी बाबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए नाश्ता करते हैं। चाय और नाश्ता रेडी है, चाय पोहा। आ जाइए सभी लोग, और नींबू भी ले लिया साथ में, क्योंकि नींबू के बगैर अच्छा नहीं लगता है। चलिए नाश्ता कर लेते कर लीजिए सभी लोग। अच्छे लग रहे हैं ना, साफ सफाई यहाँ पर भी हुआ है। तो हमेशा की तरह अजय देर से आए और फिर हम लोग शॉप देखने के लिए गए। शॉप तो है छोटा सा, जैसा मुझे चाहिए था वैसा है। पहले से इसमें कोई था, उसका सामान भी है। और ये है यहाँ पे लिया शॉप, ये ओनर खड़ी है साथ में। फिर उसके बाद में हम लोग घर पे आ गए, शॉप मुझे पसंद आ गई और एग्रीमेंट वगैरह भी कर लिया हम लोगों ने। माता रानी थैंक यू गणपति बप्पा मेरा शॉप करवाने के लिए। और प्लीज़ अब ठीक से चला देना, ठीक है? डर बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जिम्मेदारी सर पे पड़ गई। और ध्यान रखना, ठीक है मेरा? मुझे डर लग रहा है, खुशी बहुत हो रही है, डर भी बहुत लग रहा है। क्या करूँ आप? चलो मैं ऊपर जाती, पहले बच्चों को खुशखबरी देती हूँ, बाद में मिलती हूँ। तो घर पे आने के बाद में मैं थोड़ा खाना वाना खा के सो गई थी। उसके बाद में अजय का कॉल आया कि बोर्ड बनवा लेते हैं चल के। तो मेरी तो ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ज़बरदस्ती मुझे लेके गए और 2 घंटे तक मैं वहाँ पे बैठी रही, क्योंकि वहाँ पर बहुत लाइन लगी हुई थी। उसके बाद में अजय मुझे एक मेरी बहुत पुरानी जगह पर लेके गए। इनके आके बैठते हो क्या तुम? बापरे, मम्मी, रीता, गुड़िया, सभी लोग देख लो, ये है बंदर पखाड़ी का तालाब। सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जब हम लोग बहुत छोटे थे तब यहाँ पर आते थे नहाने के लिए। जंगल था पूरा और जंगल के बीच में तालाब था, बहुत ही प्यारा लगता था। जैसा भी बिल्डिंगों से घिरा हुआ है, वैसे ही जंगलों से घिरा हुआ था। वाओ, कितना मस्त बन गया है। ऐसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, एक छोटा सा तालाब होता था, वहाँ पे लोग हीरोइने नहाने जाती थी, वैसे ही था ये, और बहुत ही प्यारा लगता था। अब तो खराब लग रहा है। ये देख के मुझे बचपन याद आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बचपन आज अब कोई नहीं जी पाएगा, क्योंकि जो बचपन हम लोगों ने जिया है बहुत ही खूबसूरत था। पेड़ों पे चढ़ना, नदियों में नहाना, तालाब में नहाना, आज के बच्चे स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो कुछ भी ऐसा मज़ा नहीं है आजकल। पर पानी इतना ख़राब नहीं था, पानी अच्छा था। अब के बच्चे तो सिर्फ कार्टून्स वगैरह में देखते हैं वैसी लाइफ जैसी हमने जी है। बहुत ही खूबसूरत सी यादें हैं। बचपन जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा बचपन फिर से लौट आया है। मतलब जितनी छोटी थी यहाँ पे आती थी वैसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। क्योंकि उस टाइम के बाद में डायरेक्ट फिर हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, तो अब मैं 3 बच्चों की माँ हो चुकी हूँ, बुढ़िया हो चुकी हूँ, तब आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर घर पर आने के बाद में मैं थक के एकदम चूर हो गई थी, तो सो गई। पर ये अगस्त्या पांडे जी, पता नहीं इनको क्या हुआ है, आज तो व्हाट्सएप पे ये अपनी बुआ अपनी दीदियों से खूब चटियाए हैं, इतना बातें किए हैं। तो लवली जैसे जैसे ये रो रहे थे वैसे वैसे लवली रो के भी दिखा रही थी। पर बाद में मुझे तो तभी पता नहीं चला, मुझे बाद में पता चला, क्योंकि जब मैं सुबह उठी तब मैंने देखा, चेक किया व्हाट्सएप, तो मुझे पता चला इतनी बातें की है इन्होंने। रात को अगर मुझे पता रहता तो मैं भी थोड़ा सा चटिया लेती, पर नहीं, इन्होंने छोटी बुआ से, मझली बुआ से सबसे बात किया, बस मुझसे नहीं किया है। अब जा रही हूँ मैं ये कलश रखने शॉप पे, क्योंकि मैंने शॉप ले लिया है और आप लोगों को पता ही है कहाँ लिया है, दिखाया है मैंने आप लोगों को। तो जल्दी कलश रख देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ थोड़ा। सब दीदी तो बोल रही है कि मशीन भी रखते आज थोड़ा अच्छा दिन है, पर मशीन लेके जाएंगे तो मुझे वहाँ पर जाके घर का मतलब जो कपड़े हैं वो करने पड़ेंगे। और अभी फिलहाल एक मशीन यहीं पर रखूँगी और देखेंगे मशीन का बनेगा, तो एक वहाँ पर रखवा दूँगी और यहीं पर रखूँगी, क्योंकि काम करके देना जरूरी है।
काम हो जाए फटाफट, तो चलती हूँ, कलर्स रख देती हूँ। आयुष्मान भी जा रहा है मेरे साथ में, लवली डॉली गई है जॉब पे, लवली गई है अपनी फ्रेंड के घर छोड़ने के लिए, तो मैं और आयुष्मान ऐसे करते हैं ना आयुष। मैं और आयुष्मान जा रहे हैं, अजय वहाँ पे आएंगे, फिर बहुत सारा काम भी करना है, बोर्ड वगैरह कल बन चुका है, बहुत सारा काम बाकी है, करवा लेते हैं, बातें मिलती है आप लोगों से। मेरे बजट में जितना आ सकता था उतना ही है, तो मैं खुश हूँ उसके लिए। ऐसा है पर मेरे घर का बराबर है, जितना मुझे चाहिए था उतना मिल गया है। ज़्यादा टाइम से बंद नहीं था फिर भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने अभी साफ़ सफाई वगैरह भी कर ली है। यहाँ बैठे हैं तो आते जाते जान पहचान लोग जो भी हैं वो लोग देख रहे हैं। रख दिया है मैंने और इधर वो भी दिया है, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ सेटअप हुआ नहीं है ठीक से, तो धोने के लिए ऐसे ही पानी डाल दिया है। सूख गया तो ठीक है, नहीं सूखेगा तो फिर काम करने वाले लोग आ जाएंगे, तो अभी गिले गिले में करेंगे, फिर बहुत मुझे पट्टी हो जाएगा। और आयुष्मान साथ में आया है बेचारा मेरा बच्चा, भूख लगी क्या? बाप रे भूख भी लग गई। तो अभी अजय का वेट करते करते तो हम लोग बहुत थक गए, पर अजय आए नहीं और मुझे बहुत सामान भी खरीदना था, तो मैंने अजय को बोला कि हम लोग जा रहे हैं, तुम आना जब तक करवा लेना अपना काम। और यहाँ पे आने के बाद में 2 घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ा, क्योंकि धनतेरस था तो सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं झाड़ू खरीदने के लिए। ये आया है डॉली के ऑफिस से, लवली बंद कर रहा, इसको खोल जरा, अनबॉक्सिंग इसका बहुत अच्छा है, अनबॉक्सिंग क्या है, दिवाली के पटाखे वटाखे लग रहे हैं। दिवाली के पटाखे हैं, हम लोग को लगा था चॉकलेट है, ठीक है, पटाखे है, फुलझड़ी है, रॉकेट है, ये वाला भी है, ये चॉकलेट से है, चॉकलेट से, ऐसे कैसे चॉकलेट से, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, बट हैंडमेड होता ना वो है ना, ऐसा लग रहा है पटाखे वटाखे आए हैं तो चॉकलेट से। जीपी होगा, जीपी जीपी इसको तो इसको गुफा अच्छा है रे, पहली बार मैं खा रही हूँ फुलझड़ी, नहीं क्या हाउस हाउस खा रही हूँ, नाइस बिल्डिंग। खर्चा क्या है, खर्चा क्या है, ग्रेटफुल रहेंगे तो ये सब मिलता है। अश्विन ग्रेटफुल रहो, देखो मम्मी मम्मी ग्रेटफुल रही, मम्मी का दुकान खुल गया, मैं ग्रेटफुल रही, इसको पहन के मेरी शादी हो जाए। अरे बता दियो, ये ऐसे कंदिल भी बन गया, इसको ऐसे मम्मा इसको क्या रिप्लाई देने का, इसको और बता कैसे है, जैसी थी वैसी हूं, जैसे थे वैसे हूं। अरे यार बता रही हूं इसलिए बोल रही हूं, और ये यहां पर लगेगा, अरे स्टिकर को तो लगा दो, यहां स्टिकर निकालने का, ऐसा कंदिल बना के दिया, वाओ मस्त लग रहा है रे, कंदिल के बाहर निकाल लूं, इधर लगाएंगे खिड़की पे, लगाएंगे खिड़की पे, दरवाजे पे कौन देखेगा, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, लग गया है, लाइट तो भी इसमें लगाना पड़ेगा ना, अरे लाइट नहीं है, है ना, लगाना, लगाओ तू, लगा यहाँ पे। तो अब ये ऐसा दिख रहा है, इसमें हम लोग ने लाइट नहीं लगाया है क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास लाइट वाइट लगाने के लिए पर ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसमें एक बल्ब जलाना पड़ेगा लेकिन, हाँ फिर भी बेटू डालते हैं उसमें, बल्ब डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे वो इतना, अरे तुझे नहीं पता मुझे पता है ना, डाल सकते हैं उसमें, सब पेपर है, अरे डाल सकते हैं उसमें पागल, एक होल्डर लगा के डालते हैं, देखो वही बोल रही, होल्डर लगा के डालते हैं उसमें, बाद में मैं इसमें होल्डर लगा के डाल दूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से लिया घर का भी पूरा काम हो गया है, झाड़ू लगाने के लिए 2 घंटे लाइन लगा के खड़ी रही, तब जब झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू खरीदने के लिए कुछ भी बोल रही हूँ, झाड़ू खरीदने के लिए 2 घंटे लाइन लगाना पड़ा, तब जाके मुझे झाड़ू मिला। इधर से बहुत ही प्यारा आ रहा है वीडियो बना रही, तो एकदम मस्त लग रहा है इधर से। तभी चलते बहुत सारे काम पड़े हैं, आज धनतेरस है तो पूजा भी करना है, मैंने झाड़ू खरीद लिया है, बाकी का जो भी खरीदना था खरीद लिया है, मिठाई वगैरह आजा भेज रहे, जा आयुष्मान बुला रहे पापा, हाथ क्यों तो कट जा रहा है, जब पापा बुला रहे, तेली गर्ल आ गई है, क्या हंस क्या रही रेता, बन रहे हैं।
चलो बाय बाय सभी को, अभी डॉली की मस्तियाँ चालू। मेरा वो वाला मुंह डाल मत देना। फिर क्यों किया ऐसा? डिसेंट वीडियो ना। हाँ तो डिसेंट वीडियो ही है।